हाय डियर बच्चों, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं या इंग्लिश लिटरेचर का और भी कोई कोर्स कर रहे हो जैसे एमए या बीए इंग्लिश ऑनर्स या एनी अदर, और अगर आपके कोर्स में ये वाली नोवेल इंक्लूड है आर्म्स एंड द मैन, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड वीडियो जो है टाइम टेकन होगा क्योंकि मेरे वीडियोज मोस्टली लेंदी होते हैं, बिकॉज मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करती हूँ, देन समरी, देन थीम्स और फिर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इन द सेंस कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अपने एग्जाम में नोवेल से रिलेटेड, तो आप उसको कैसे आंसर कर सकते हो, कैसे अपने क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर आप अपना आंसर उसमें देंगे, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगी बाकी वीडियोस की तरह। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कैरेक्टर्स कवर कर देती हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ रेसिपी। जैसे रेसिपी, कोई भी डिश बनाने के लिए आपको उसकी सामग्री, उसके इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही एक नोवेल को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको उसके कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो कैरेक्टर्स पढ़ने से क्या है, रिलेशन क्लियर हो जाता है कि इन इतने कैरेक्टर्स हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है। ओके, सो इट इज अ काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ रेसिपी, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, इसलिए अब तक अगर आपने इंटरनेट पे से पढ़ा हो या अपनी बुक्स में इसको पढ़ा हो जो कि बुकिश लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लिटरेचर की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर कोई नया बच्चा उसे पढ़ने बैठे तो फर्स्ट रीड में तो उसे बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, उसे एटलीस्ट 4 से 5 बार उसे रीड करना होगा, तब जाकर आपको इंग्लिश लिटरेचर की वो लैंग्वेज समझ आएगी कि नोवेल में वो बोल क्या रहा है। ओके, तो मेरी वीडियो आप एक बार ही देखोगे, एंड तक देखेंगे तो आपको एक बारी में पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, एग्जाम में आप कैसे आंसर लिख पाएंगे वो भी समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स के साथ। तो बच्चों, इस नोवेल में जो मेन जितने भी कैरेक्टर्स आपको पढ़ने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, नॉर्मली 8 से 9 कैरेक्टर्स होंगे। सो आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज ब्रिंग अ नोटबुक एंड पेन विद यू टू मेक नोट्स, ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें, इसलिए आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है नंबर 1, वो है रैना पेटकॉफ, ठीक है। ये जो स्टोरी है, ये मेनली जो स्टोरी है ये किसके बारे में है, रैना एंड सर्जियस, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये जो रैना है ये है हीरोइन इस नोवेल में, और ये जो सर्जियस है ये है हीरो, ठीक है। तो ये जो सर्जियस है ये पेटकॉफ फैमिली का मेंबर नहीं है, इनका पार्ट नहीं है, ये पेटकॉफ फैमिली है पूरी, ठीक है। जैसे आप अपने नाम के बाद कोई सरनेम लगाते हो वैसे ही एक पेटकॉफ फैमिली है, जिसमें कैथरीन और मेजर पॉल, ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है, और इनकी एक बेटी है कौन, रैना, ठीक है। इट मीन्स ये जो कैथरीन पेटकॉफ है ये कौन हुई, रैना की मदर। ओके, ये कौन हो गई, रैनाज मदर। और ये जो मेजर पॉल पेटकॉफ है ये कौन है, रैनाज फादर, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्केचिंग को रफ कर देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। तो बच्चों देखो, ये जो रैना है इसकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है सर्जियस के साथ स्टोरी में। अभी मैं थोड़ा आपको ऊपरी ऊपरी बताऊंगी, जो हमारी पूरी स्टोरी है वो मैं समरी में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी कैरेक्टर्स आप ठीक से समझिएगा, ये जो रैना है इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है किससे, सर्जियस से। इट मीन्स ये दोनों आपस में कौन है, मंगेतर है, ठीक है। और ये जो सर्जियस है ये बहुत बहादुर है, स्मार्ट भी है, ठीक है, और पैसे वाला भी है। और ये जो मेजर पॉल पेटकॉफ है यानी कि रैना के जो फादर है, इनको आप मेजर पेटकॉफ भी बोल सकते हो, इतना भी एनफ रहेगा, या फिर मिस्टर पेटकॉफ भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही नाम लिखें। तो ये जो मेजर पेटकॉफ है और ये जो सर्जियस है, ये दोनों एक ही आर्मी में काम करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही जगह काम करते हैं, और इन दोनों का एक ही रोल है, क्या, ये दोनों ही आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, इसमें बुल्गेरियन कैवेलरी में, इन बुल्गेरियन कैवेलरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बुल्गेरियन कैवेलरी क्या होता है, तो बुल्गेरियन का मतलब है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं सो वी कॉल्ड एज इंडियन, हम इंडियन कहलाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये बुल्गेरिया के निवासी हैं और इनको बुल्गेरियन कहा गया है, ठीक है, नोवेल में। और कैवेलरी का मतलब होता है अश्व सेना, ठीक है,
तो जो बुल्गेरियनों की अश्वसेना है, जो कैवेलरी है, उसमें ये दोनों आर्मी ऑफिसर का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी बुल्गेरिया, ये जो नेशन है, इससे कोई भी लड़ाई करेगा तो उस लड़ाई में कौन शामिल होंगे, ये दोनों भी शामिल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस नोवल में जो है लड़ाई को भी शो किया गया है, वार को शो किया गया है, वो मैं समरी में आपको सब बताऊंगी। तो अभी आपको चार कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे, रैना, कैथरीन, मेजर पॉल और ये सर्जियस, ठीक है। और इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे के थोड़े और कैरेक्टर्स देखते हैं। तो बच्चों टोटल 7 कैरेक्टर्स ही हैं हमारी इस नोवेल में। 5th है लवका। लवका कौन है? पेटकॉफ फैमिली में ना दो नौकर भी रहते हैं, ठीक है, और वो कौन है? लवका और निकोला। लवका कौन है? फीमेल मेड, और ये निकोला कौन है? मेल सर्वेंट, ठीक है। यानी कि ये नौकरानी है और ये नौकर है, दोनों किस कहाँ रहते हैं? पेटकॉफ फैमिली में ही रहते हैं नौकर की पोजीशन पे, बट ये फीमेल है और ये मेल है, सॉरी, ठीक है। तो ये लवका है ना, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रैना। जो रैना हमारी हीरोइन है, ये उससे भी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। यानी कि जो नौकरानी है वो मालकिन से भी ज्यादा सुंदर है। एंड शी वॉन्ट अ लग्जूरियस लाइफ, और ये अपनी लाइफ को ऐसे ही नौकरानी बनकर वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। ये इसके थोड़े ऊंचे ख्वाब होते हैं, ये चाहती है कि मैं भी किसी बड़े घर की मालकिन बनूं, ठीक है, मुझे भी लग्जूरियस लाइफ जीनी है। तो इस तरह के इसके बड़े बड़े सवाल होते हैं, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी एक नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। निकोला, निकोला बहुत ही सीधा साधा, कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, प्लीज उसे अवॉइड करिएगा। निकोला कौन है? बहुत ही सीधा साधा मेल सर्वेंट है इस घर का, ठीक है। और हमारी नोवेल में क्या होता है कि ये जो लवका है और ये जो निकोला है, निकोला लवका को पसंद करता है, निकोला लाइक्स लवका, और ये दोनों नोवेल में एंगेज्ड भी है, यानी कि इनकी मंगनी हो रखी है, ठीक है। लवका एंड निकोला एंगेज्ड। और ये जो कैप्टन ग्रंटस्टेली है, कैप्टन ग्रंटस्टेली पूरा नाम है, बट आप एग्जाम में सिर्फ ग्रंटस्टेली भी लिखोगे, दैट इज एनॉफ, ठीक है। तो ग्रंटस्टेली का कौन है ये हमारी नोवेल में? ही इज स्विस। स्विस यानी कि जैसे मैंने आपको बताया हम इंडियंस हैं, और जो मैंने पेटकॉफ फैमिली लिखवाई थी ये बुल्गेरियन है, ठीक है। और तो फिर ये कौन है? स्विस। और स्विस कहाँ के निवासियों को बोलते हैं? स्विट्जरलैंड के निवासियों को बोलते हैं, यानी कि फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ये जो ग्रंटस्टेली है ये स्विट्जरलैंड का निवासी है। इसकी और भी गहरी पहचान हम समरी में पढ़ेंगे। तो इसका किस टाइप का नेचर है? ही इज वीक, ये कमजोर है, ज्यादा बहादुर नहीं है, नॉट ब्रेव है सर्जियस। जैसे मैंने सर्जियस का आपको कैरेक्टर बताया था, वो स्मार्ट है, पैसे वाला है, बहादुर है, ठीक है, लड़ने में आगे रहता है, मीन्स एक अच्छे और एक बहादुर लड़के के उसमें सारे गुण है, ठीक है। तो ग्रंटस्टेली उसके ठीक उल्टा है, ये डरपोक है, कमजोर है, और इसे लड़ाई करने से भी डर लगता है, ठीक। और अभी ये फाइनेंशियली भी इसके जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमारी नोवेल के एंड में ये भी अमीर हो जाता है। कैसे होगा अब मैं आपको समरी में बताऊंगी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड। तो बच्चों हमारा ये प्ले 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले मैं एक्ट 1 बताऊंगी, और हो सकता है बाहर से आपको शोर है बिकॉज मैंने माइक वियर नहीं किया है, तो प्लीज उस नॉइज को अवॉइड करिएगा। तो बच्चों हमारा जो एक्ट 1 स्टार्ट होता है वो 1885 से स्टार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम यहाँ पे एक वॉर हो रही थी, एक लड़ाई चल रही थी, किसके बीच? बिटवीन सर्बो एंड बुल्गेरियन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियंस कहा जाता है, वैसे ही तो जो ये लड़ाई चल रही है सर्बो और बुल्गेरियन के बीच हो रही है, और जो मैंने आपको कैरेक्टर्स लिखवाए थे जैसे सर्जियस और मेजर पेटकॉफ, ये दोनों कौन है? आर्मी ऑफिसर है, और ये बुल्गेरियन कैवेलरी की तरफ से लड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों बुल्गेरियन कैवेलरी में शामिल है और ये इस ओर से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों वार में क्या होता है, ये बुल्गेरियन कैवेलरी जीत जाते हैं, दे विन, और ये जो सर्ब्स होते हैं ये हार जाते हैं, दे लूज, ठीक है। अब बुल्गेरियन कैवेलरी जीती है, इसका मतलब सर्जियस और ये जो मेजर पेटकॉफ है ये दोनों इसमें जीत चुके हैं,
और जो बुल्गेरियन कैवेलरी का इंचार्ज होता है यानी कि जिसके नेतृत्व में ये वार होती है, ये लड़ाई होती है, वो होता है सर्जियस। ठीक है, ये होता है लड़ाई के टाइम हेड बनता है, ये नेतृत्व करता है सेना का। इसका मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने ये जो लड़ाई जीती है वो किसके नेतृत्व में जीती है, सर्जियस के नेतृत्व में जीती है, इसलिए सारा क्रेडिट लड़ाई जीतने का किसको जाएगा, सर्जियस को जाएगा। तो ये था लड़ाई वाला सीन जो आपको पहले से पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम अपनी स्टोरी में। तो बच्चों हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये रैना के रूम से होती है, फ्रॉम रैनाज रूम। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, ये जो रैना है कौन है, एक बुल्गेरियन वुमेन है क्योंकि ये बुल्गेरिया से बिलोंग करती है और ये बहुत ही अमीर घराने से है, फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली। ठीक है, तो होता क्या है, एक्ट वन में रैना के रूम में उसकी मदर आती है कैथरीन इसको न्यूज देने। कैथरीन एंटर्स इनटू हर रूम टू डिलीवर अ न्यूज, और वो इसे क्या न्यूज देती है, ये इसे बताती है कि तुम्हारा फियांसी सर्जियस और तुम्हारे पिता यानी कि इसके पति कौन है, रैना के फादर मेजर पेटकॉफ, ये दोनों लड़ाई जीत चुके हैं और अब बहुत जल्द ये दोनों घर लौट रहे हैं। तो वो उसको एक गुड न्यूज है जो देने आती है इसके रूम में, और ये न्यूज सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है कि हम लड़ाई जीत चुके हैं सर्बो के अगेंस्ट। इसी के साथ कैथरीन रैना को ये भी बताती है कि और तुम्हें पता है, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि लड़ाई हम किसकी वजह से जीते हैं, सर्जियस की वजह से जीते हैं क्योंकि उसने हमारी सेना का नेतृत्व किया। तो फिर अब जो सर्जियस होता है ना वो रैना की नजरों में एकदम हीरो बन जाता है, क्योंकि मैं आपको कैरेक्टर में ही बता दिया था ये बहुत बहादुर होता है, बहुत ब्रेव बॉय होता है ये। ठीक है, स्मार्ट भी होता है और अच्छे घर से होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो रैना अब सर्जियस के बारे में ऐसा सुनकर उसी के ख्वाब देखने लगती है, और जो उसकी फोटो होती है उसके पास उसे देखकर मतलब उसी से बातें करने लगती है, फोटो देखकर उससे बातें करने लगती है। जैसे आप अपने किसी भी पसंदीदा पर्सन से बात ना कर पाओ तो आप उसकी फोटो देख के उससे बात कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब सडनली क्या होता है, जब यहाँ पे ये सीन हो रहा होता है तो इनके रूम में ना इनकी मेड आ जाती है लौका। ठीक है, इसका भी कैरेक्टर मैंने आपको लिखवाया था, ये कौन है लौका, इस घर की नौकरानी है और ये रैना से भी ज्यादा सुंदर है, यानी कि अब मालकिन जो है रैना उससे भी ज्यादा सुंदर है। ओके, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रैना। तो ये इनके रूम में आती है और ये इन्हें बताती है कि आप सब अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो सर्ब्स है ना, ये हारने के बाद लड़ाई में से कुछ सर्ब्स भाग गए थे, बच निकले थे। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया बुल्गेरियन आर्मी की जीत हुई थी और सर्ब्स आर्मी की हार हुई थी, तो जब ये आर्मी हारी तो इन्हीं में से कुछ सर्ब्स लोग वहां से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और अब ये बुल्गेरियन के ही कॉलोनीज में घूम रहे हैं शरण पाने के लिए, क्योंकि इनके पास अपना रहने का ठिकाना है ना खाने पीने का ठिकाना है, तो अभी बुल्गेरियन फैमिलियां ढूंढ रहे हैं शरण लेने के लिए। ओके, तो ये आकर इनको बोलती है कि आप ही अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लो, क्या पता ये जो हारे हुए लोग हैं हमारे घर में घुसकर और शरण लेने का बहाना करके रात में हमें मार डाले बदले की भावना से। ठीक है, ये बोलती है कि मैंने सारे घर के दरवाजे खिड़की बंद कर दिए हैं, एक आपका ही रूम बचा है, आप भी बंद कर लो। तो कैथरीन तो इस रूम से चली जाती है, लेकिन ये जो रैना है ये बोलती है हाँ मैं दरवाजे बंद कर लूंगी, तुम चली जाओ, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। ठीक है, तो फिर ये सुन के लौका भी यहाँ से चली जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो रैना है ना बहुत लापरवाह है, इसे कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती कि हमारी कॉलोनी में दुश्मन के लोग घूम रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये खिड़की दरवाजे बंद करना भूल जाती है। ठीक है, she did not lock her window। तो बच्चों अब क्या होता है, ये तो लापरवाही से सो गई अपनी खिड़की को खुला छोड़ के। ठीक है, तो अब इसके रूम में एक आदमी घुसाता है, a man enters into her room through the unlocked window। ठीक है, एक आदमी है जो उसी खुली हुई खिड़की से इसके रूम में घुस गया। तो जैसे ये घुसता है इसके रूम में थोड़ी हलचल होती है और ये उठ जाती है, और ये इसको देखकर ज्यादा डरती तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये आदमी रैना को धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, और ये अभी अपनी पहचान गुप्त रखता है, ये अपना नाम इसको नहीं बताता कि इसका क्या नाम है और ये कौन है कहाँ से आया है।
अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है कि देखो मैं एक स्विस हूँ। क्या हूँ मैं? एक स्विस हूँ। और स्विस कौन होते हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले निवासी लोग, ठीक है। ये बोलता है वैसे तो मैं एक स्विस हूँ लेकिन मैं सर्बियंस के लिए लड़ता हूँ किराए पर, ठीक है। उन्होंने मुझे किराए पर रखा हुआ है खुद की आर्मी में लड़ने के लिए, यानी कि वही सर्ब्स जिनकी अभी हार हुई है लड़ाई में, ये उन्हीं की आर्मी का कोई एक आदमी है जो भाग करके इसके रूम में आ गया है। जैसे जो वार्निंग देकर गई थी लौका की खिड़की दरवाजे बंद करो, जो भागे हुए सर्ब हैं आ सकते हैं हमारे घरों में छिपने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई एक आर्मी का बंदा है जो इसके रूम में आ गया है छिपने के लिए, ताकि बुल्गेरियन लोग उसे पकड़ के मार ना दे। तो अभी ये सिर्फ रैना को इतना ही बताता है अपने बारे में, वैसे तो मैं एक स्विट्ज हूँ लेकिन मैं सर्बिया के लिए लड़ता हूँ किराए पर। तो और थोड़ी बातचीत होती है इन दोनों में, मीन्स एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है इन दोनों में बातें करते करते, ठीक है। तो फिर रैना को देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि ये बेचारा कितना प्यासा, कितना भूखा और कितना थका हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम से जंग में से आ रहा है। और ये भी नोटिस करती है कि इस आदमी की बातों से लग रहा है कि इसे लड़ाई वगैरह में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये आदमी इसी में संतुष्ट है कि ये बचकर आ गया वहां से जिंदा, ओके। और होता भी यही है, इसको ना लड़ाई में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, इसको सिर्फ अपनी जान इसकी बच गई है इसी में ये खुश है कि हाँ मैं जिंदा बच के आ गया हूँ। तो अब रैना को सुनाई देता है कि उसके रूम में कोई आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करती है, इस आदमी को छुपा देती है कर्टेन के पीछे। इसको वो छुपा देती है पर्दे के पीछे, ये है कर्टेन, कर्टेन। और इसके रूम में आता कौन है? लौका, कैथरीन यानी कि उसकी मदर, उसकी नौकरानी और बुल्गेरियन ऑफिसर, ठीक है। ये सब इसके रूम में आते हैं चेक करने के लिए कहीं कोई सर्ब घुस तो नहीं आया इसके रूम में। तो फिर ये लोग इससे कहते हैं रैना तुम्हारे रूम में कोई आया है क्योंकि पड़ोसियों ने देखा है किसी को तुम्हारे रूम में खिड़की से आते हुए। तो फिर रैना उनको मनाती है, उन्हें कन्विंस करती है कि नहीं यहाँ कोई नहीं आया, सब कुछ ठीक है और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो फिर ये लोग छानबीन करते हैं इसके कमरे की, और फिर जब कोई नहीं मिलता क्योंकि ये तो छुपा हुआ है, तो फिर ये लोग चले जाते हैं। लेकिन जाते टाइम ये जो लौका है ना, एक नजर से बंदूक देख लेती है इसके कमरे में, ठीक है। क्या देख लेती है? एक पिस्टल। तो है तो वो नौकरानी इसलिए सवाल जवाब कर नहीं सकती, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है, लेकिन पिस्टल वो देख लेती है। और वो पिस्टल किसकी होती है? इसी आदमी की, क्योंकि ये आर्मी से भागा हुआ आया है तो जाहिर सी बात है इसके बाद इसके पास कोई ना कोई तो हथियार होगा ही। तो अभी सब लोग इसके रूम से चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो इन सब के जाने के बाद रैना को रियलाइज होता है कि ये आदमी बहुत भूखा है, चलो मैं इसे कुछ खाने को देती हूँ। तो वो इसको खाने के लिए चॉकलेट क्रीम देती है। क्या देती है? चॉकलेट क्रीम देती है। और ये चॉकलेट क्रीम ना वो अपने रूम में छुपा के रखती थी एक डब्बे में, ठीक है। जैसे आप अपने रूम में कोई भी खाने पीने का सामान रख लो एज अ स्नैक्स, तो उसी तरह से ये चॉकलेट क्रीम अपने रूम में रखा करती थी। तो उसने अपने उसी डब्बे में से निकाल के इसको चॉकलेट क्रीम देती। और फिर ये जो पिस्टल होती है वो इसको चेक करती है कि इसकी बंदूक में क्या है। तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसकी बंदूक में कोई भी गोला बारूद होता ही नहीं है, यानी कि इसकी पिस्टल एकदम खाली होती है। ये जो गोला बारूद है कुछ नहीं होता इसकी पिस्टल में। पिस्टल कैसी होती है? खाली। गोला बारूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्यूनिशन, ठीक है। ठीक है, तो बंदूक में इसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसकी पॉकेट में इसको बहुत सारी कैंडीज जरूर मिल जाती है। ये सिर्फ अपनी पॉकेट में क्या रखता था? कैंडीज। इससे क्या शो होता है कि इसको लड़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी है ही नहीं, और ये किस किस्म का इंसान है? बहुत ही डरपोक, ठीक है। ऐसा आदमी जिसमें एक बंदूक चलाने की हिम्मत नहीं है, भरा वो लड़ाई में लड़ेगा कैसे, ठीक है। तो इन चीजों से ये शो होता है कि ये कितना डरपोक किस्म का आदमी है। और फिर ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं, और ये आदमी रैना को बताता है कि जो तुम्हारी आर्मी थी ना सर्जियस की, जो आर्मी थी, ये बताता है कि तुम्हारी जो आर्मी थी ना सर्जियस की, जो आर्मी थी यानी कि बुल्गेरियन वाली आर्मी, इन्होंने खामखाही सर्ब्स पे हम पर हमला करा, हमसे लड़ाई की। इनका हमसे लड़ाई करना एकदम बेवकूफी जैसा कदम था।
और ये जो जीता है ना तुम्हारा आर्मी इसके नेतृत्व में, ये अपने लक से जीता है, ठीक है। ये बताता है कि हम सर्वो के पास मशीन गन्स भी है, हमारे पास मशीन गन्स भी है, लेकिन उन मशीन गन्स को चलाने के लिए सही गोला बारूद हमें नहीं दिया गया, गलती से हमारे गोला बारूद चेंज हो गए थे, इस वजह से हम लड़ाई में नहीं जीत पाए और इसकी जो सेना है वो हमारी सेना पे भारी पड़ गई। इट मीन्स लड़ाई में जो जो हुआ था वार में, वो पूरी कहानी इसको सुनाने लग जाता है, ठीक है। फिर जब रैना को रियलाइज होता है कि ये जो आदमी है मेरे मंगेतर का मजाक उड़ा रहा है कि उसने जो लड़ाई की है बेवकूफी भरी की है और वो लक से जीता है ब्ला ब्ला, तो फिर वो इसको थोड़ा फटकार देती है, थोड़ा डांट लगा देती है। लेकिन फिर रैना डिसाइड करती है, लेकिन मैं इस आदमी की मदद करूंगी यहां से सेफली भागने में, ठीक है, मैं इस आदमी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं इसे सुरक्षित यहाँ से भगा के रहूंगी। तो बच्चों अब इस आदमी की हेल्प के लिए ना ये जाती है कैथरीन के पास, अपनी माँ के पास, यानी कि अभी अपने रूम से बाहर निकलती है ताकि अपनी माँ से मिल सके, पूरी बात बता सके और इसको भगाने में यहाँ से मदद कर सके, ठीक है, क्योंकि उसे पता है मेरी माँ मेरी हेल्प जरूर करेगी। तो ये तो चली जाती है कैथरीन के पास हेल्प मांगने, और अब जब ये देखता है कि भाई रैना का बेड जो है खाली हो चुका है, तो यार ये इतना ज्यादा थका हुआ होता है ना कि ये उसके बेड पे सो जाता है। ओके, ही स्लेप्ट एट रैनास बेड, सो चुका है उसके बेड पे। और फिर जब कैथरीन और रैना वापस आते हैं रूम में और ये दोनों देखते हैं कि ये तो सो रहा है, ठीक है, तो अभी तो हम इसे भगा नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों इसकी कंडीशन समझ रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं कि ये बेचारा कितना थका हुआ है, कितना भूखा प्यासा था, इसलिए वो थकान से सो गया है, तो हम इसको सोने देते हैं और जब ये उठेगा अपनी नींद इसकी टूटेगी तभी हम इसे यहाँ से भगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कई दिनों से नहीं सोया था, ठीक है, इसलिए इसको बेड मिलते ही नींद आ गई और अब ये दोनों वेट करेंगे इसके उठने का, ठीक है। तो बच्चों अब जब इस आदमी की नींद खुलती है ऑफ, तो फिर ये कैथरीन और रैना इसको एक कोट पहनाते हैं, और वो कोट किसका होता है, मेजर पेटकॉफ का वो कोट होता है, यानी कि इसके पिताजी का, ठीक है, वो कोट इसको पहनाते हैं और इसको सेफली वहां से भगा देते हैं, ठीक है, कोई भी इसको ना पहचान पाता है ना ही इसे मार पाता है, और ये आदमी यहाँ से सेफली चले जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो दो बुल्गेरियन वुमेन है कैथरीन और रैना, इन दोनों ने उस आदमी को भगाने में उसकी मदद की, बेशक वो दुश्मन की आर्मी का था। ओके बच्चों, तो एक्ट वन हमारा इतना ही था, अब चलते हैं एक्ट टू की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप प्लीज पूरी देखिएगा। तो बच्चों अब हमारा जो एक्ट टू है वो स्टार्ट होता है पेटकॉफ फैमिली के गार्डन से। और भी कोई नोवेल हो जो आप चाहते हो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, तो आप उस नोवेल या पोयम का नाम कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये भी एक रिक्वेस्टेड नोवेल था। मिस राहुल गुप्ता और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस नोवेल को रिक्वेस्ट कर रखा था ऑलरेडी, तो अभी रिसेंटली नाम मुझे राहुल गुप्ता जी का ही याद है। और बाकी मैं जो है इन चारों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप इन चारों टॉपिक में से किसी एक में भी इंटरेस्ट है या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।